तो दोस्तों इस तरह का मछली आप एक बार बना के ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा। इसमें बनाने में थोड़ा सा मेहनत है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन बहुत पसंद आएगा। आप जिस किसी को भी खिलाइएगा वो पसंद करेगा। तो चलिए मैं आपको ये मछली कैसे बनाते हैं सिखाता हूँ। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का मछली बनाने के लिए मैंने पूरा का पूरा मछली लिया है और इसमें ऐसे चीरा लगाएंगे। देखिए इस तरह हम चीरा लगा देंगे पूरी मछली में। तो चलिए फटाफट में चीरा लगा लेता हूँ। इसके मसाले के लिए मैंने बहुत सारा लहसुन और अदरक ले लिया है। अब इसका फटाफट पेस्ट बना लेते हैं। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। चलिए अब फटाफट मसाला लगाते हैं और मसाला क्या क्या डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। मछली में लगाने के लिए मसाला तैयार करना है तो ये है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये नींबू, ये सब इसमें डालना है। साथ ही मैंने कुछ मसाले, ये देखिए धनिया पाउडर, दुनिया भर का धनिया पाउडर, ये देखिए इसमें दुनिया भर का धनिया पाउडर, मिर्ची भर भर के, हल्दी भर भर के, नमक स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार ये डाल दिए। अब ये नींबू काट के इसका रस निचोड़ देते हैं। तो नींबू इस तरह से काट के फटाफट डाल देंगे, हमारे पास मशीन नहीं है निचोड़ने के लिए, इसलिए हाथ से निचोड़ना है। हाथ से निचोड़ने के लिए इस तरह काटना पड़ता है। तो चलिए फटाफट मैंने नींबू काट काट के डाल देता हूँ। ये देखिए इस तरह लेना है, ऐसे एक साइड से, दूसरे साइड से और ये तीसरे साइड से। इस तरह काटने से क्या होता है, पूरा नींबू का रस जो है ना निचोड़ में आ जाता है। ये देखिए तो मैं फटाफट सब भी नींबू को काट के निचोड़ के डाल देता हूँ। तो मैंने नींबू डाल दिया है, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। खूब बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब नमक तो डाल ही चुका, हाँ खूब बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम मछली पे लगाएंगे। तो फटाफट सभी मसाला लगा देते हैं। तो मसाला लगाने के लिए देखिए सबसे पहले ये जो हमने चीरा लगाया है ना, ये चीरा में भरेंगे जितना हो सकता है। ये चीरा में सबसे पहले भर देंगे चारों तरफ। मैंने ये चीरा में भर दिया, ठीक है। इस तरह करके सभी में एक एक करके भर देते हैं। तो मैंने पूरे में चीरा में मसाला लगा दिया। अब इस सब पूरे में मसाला लगा देते हैं। तो मैंने पूरे में मसाला लगाना, ये देखिए अंदर भी इस तरह, अंदर बाहर हर तरफ मसाला लगा देंगे। ये देखिए मैं इसको मैं पलटी कर रही हूँ, ये एक साइड ये हो गया है इस साइड। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मछली ये फ्राई हो गई है। अब मैं निकाल रही हूँ इसको। अब एक एक करके मैं सारा मछली को मैं पका लेती हूँ।